मैं आपको बता दूं कि हमने वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है, इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा देखें। बट अगर फिर भी आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कपूर एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है और बिजनेस के हिसाब से काफी प्रॉफिट वाली भी है, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कपूर का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कपूर बनाने के लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, मशीन की कीमत क्या है, कहां से हम इस मशीन को खरीद सकते हैं, इसे बनाने में कौन सा मटेरियल लगेगा और मटेरियल कितने का मिलेगा, टोटल लागत कितनी आएगी, कितना मुनाफा होगा, कैसे बाजार में बिकेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कपूर का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको फुल्ली ऑटोमेटिक कपूर मेकिंग मशीन खरीदनी होती है। दोस्तों इसे हम ट्रांसपोर्ट के जरिए बड़ी आसानी से मंगा सकते हैं, हमें बस सप्लायर से बात करनी होती है, फिर वो आपके लिए मशीन ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके पास भिजवा देता है। और दोस्तों मशीन के इंस्टॉलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसे हम किसी घर के कोने में इंस्टॉल कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मशीन के रखरखाव और मेंटेनेंस की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जल्दी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत से लोग इसे काफी सालों से चला रहे हैं और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आप इसका पार्ट्स कूरियर के जरिए मंगा भी सकते हैं। ये मशीन सिंगल फेज से चलती है, इसका मतलब हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम उसके जरिए भी इस मशीन को चला सकते हैं, और ये मशीन एक घंटे में 10 से 12 किलो कपूर का उत्पादन बड़ी आसानी से कर देती है। दोस्तों कपूर बनाने के लिए हमें बाजार से कपूर की रॉ मटेरियल खरीदनी होती है, जिसे हम कपूर पाउडर या कम्फोर्ट पाउडर कहते हैं। बाजार में भी यह पाउडर आसानी से उपलब्ध है, आप अपने नजदीक के बाजार में जाके किसी भी किराना होलसेलर से अगर कम्फोर्ट पाउडर के बारे में पूछेंगे वो आपको इसकी जानकारी दे देगा। इस मशीन में पाउडर डालने के लिए कीप जैसी जगह बनी होती है, पाउडर को इस कीप के माध्यम से मशीन के अंदर डालते हैं। पाउडर डालने के लिए आप अपने हाथ या किसी बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। छोटे बड़े आकार में या मोटे पतले आकार में कपूर बनाने के लिए मशीन में विभिन्न साइज की डाई लगी होती है, अपनी आवश्यकता अनुसार डाई को बदलकर कपूर का आकार बदला जा सकता है। यानी अगर आप छोटा कपूर चाहते हैं तो आप छोटे कपूर की डाई लगा सकते हैं, या बड़ा कपूर चाहते हैं तो आप बड़े कपूर की डाई लगा सकते हैं। इसके बाद मशीन का पावर स्विच ऑन करके कपूर को बनाना हम शुरू कर लेते हैं। मशीन चालू हो जाने के बाद समय समय पर मशीन में कम्फर्ट पाउडर डालते रहते हैं और कपूर बनता रहता है। इसके बाद उसे हाथ से हटाकर किनारे कर लेते हैं। इसके बाद बने हुए कपूर को आप डिब्बे में या प्लास्टिक में पैकिंग कर आसानी से बाजारों में बेच सकते हैं। इस बिजनेस को महिलाएं भी आसानी से घर पर कर सकती हैं। इस मशीन को चलाने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चलाने में बहुत ही आसान है और कोई भी इसे बड़ी आसानी से चला सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को करने में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना का आएगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी होगी और इस कपूर को बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट 10 रुपए पर केजी के आसपास आएगी, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी, आपका लेबर कॉस्ट और सारे दूसरे कॉस्ट इंक्लूड है। दोस्तों रॉ मटेरियल का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये दोस्तों अब इसके प्रॉफिट रिपोर्ट को देखते हैं। इसलिए हमारा पर केजी प्रॉफिट 90 रुपए के हिसाब से हो गया। ये मशीन प्रति घंटे 10 से 12 किलो कपूर का उत्पादन करती है। अगर हम 8 घंटे भी इस मशीन को पूरे दिन में चलाते हैं तो इसका मतलब हम 80 किलो कपूर का उत्पादन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद से टोटल प्रॉफिट इन वन डे एक दिन में हमारा 7,200 रुपीस का प्रॉफिट आएगा, जिसमें हमने अदर सारे खर्चे निकाल दिए 1500 रुपीस। अदर खर्चे निकालने के बाद भी हम नेट इनकम 5,700 रुपए के आसपास कमा सकते हैं, जो हमारी एक दिन की इनकम है। अगर इसे ही महीने की इनकम कैलकुलेट करें तो ये टोटल 1,71,000 रुपए का महीने का इनकम होगा। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए हमें पैकिंग मटेरियल कौन कौन सा ले सकते हैं, हम प्लास्टिक के जार ले सकते हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन ले सकते हैं, या हम कलरफुल डब्बे का भी यूज कर सकते हैं जो देखने में काफी आकर्षक होगी और कस्टमर को ज्यादा लुभाएगी। हम तीन तरीकों से इस कपूर को पैक कर सकते हैं। दोस्तों हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें, सबसे बड़ी बात यही रहती है कि अगर आपका प्रोडक्ट बन गया हो और बिक नहीं रहा हो मार्केट में तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत की जरूरत होगी। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू होगा, एक बार अगर हमारे प्रोडक्ट ने मार्केट पकड़ लिया फिर उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसे दोस्तों तीन तरीके से बेच सकते हैं। डोर टू डोर सेल, इसका मतलब हम दुकान पे जाके भी इसको बेच सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़े जिसके अंतर्गत उस एरिया की काफी सारी दुकानें आती हैं, उसके जरिए भी हम अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं, या फिर हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो ग्रोसरी एटूसरी सारी वस्तुएं भी ऑनलाइन बेचती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, अमेजोन, ऐसी बहुत सारी और भी साइटें हैं जो इन वस्तु। दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।